हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसी डब्ल्यू सी पी एल टी ट्वेंटी, मैसी वर्ल्ड जो है ये डब्ल्यू सी पी एल कैरेबियन प्रीमियर लीग जो है टी ट्वेंटी वोमेन्स का, ये जो है कैरेबियन प्रीमियर लीग है और इसका जो है ये फाइनल मैच होने वाला है। फाइनल मैच किसके बीच में खेला जाएगा, तो बी आर डब्ल्यू वर्सेज जो है टी के आर डब्ल्यू के बीच में ये मैच होगा। बारबाडोस रॉयल्स वर्सेज त्रिबागो नाइट राइडर्स वोमेन्स के बीच में ये जो है फाइनल मैच होने वाला है वोमेन्स सी पी एल का। मैच की टाइमिंग आप ध्यान से देखिएगा, 12:30 पे है, तो अगर आप जो है रात में जगे रहते हैं तो ये मैच मेरे साथ खेलिएगा, आपको जो है इसकी बेहतरीन टीम देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप लोग जो है जरूर से ज्वाइन करिएगा, उससे पहले आप लोग जो है फुल स्टैट्स इंफॉर्मेशन वाली ये वीडियो देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको बहुत अच्छी अच्छी जो है इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। डायरेक्टली जो है मैच के बारे में हम बात करते हैं, बी आर डब्ल्यू वर्सेज टी के आर डब्ल्यू मैच जो है फाइनल है, तो डेफिनेटली यहां पर दोनों ही टीम काफी अच्छी है। और अगर मैं बात करूं 12:30 पे ब्रायन लारा स्टेडियम जो है यहां पे त्रिनिदाद के वेन्यू पे ये मैच होगा। यहां की अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं, बैलेंस पिच है, यहां पर जो है बैटर्स को थोड़ा सा सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन वोमेन्स के मैच में आपको ही पता है ज्यादा रन नहीं बनते हैं, इसलिए एवरेज स्कोर 128 का है। यहां पर जो है थोड़े से बारिश के भी चांसेस हैं, तो वो भी चीज ध्यान में रखिएगा और ये चीज जो है आपको बताना काफी जरूरी थी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए मेरे भाई, अगर आपने लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक आप जरूर से किया करें, हमें काफी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो वीडियो को लाइक आप जरूर से किया करें। बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की, इस वेन्यू पे अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक लेवल के वोमेन्स के मैचेस सिर्फ और सिर्फ 8 हुए हैं। 2 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 5 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। एवरेज स्कोर 120 रन है, हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखेंगे 169 है, लोएस्ट स्कोर अगर आप देखेंगे 72 रन है। अब 8 मैचेस में क्या हुआ है भाई, 7 मैचेस में 150 रन से नीचे का स्कोर बना है, सिर्फ एक मैच में 150 से 170 रन के बीच में स्कोर बना है। वेन्यू पर जो लास्ट मैच खेला गया था ना, वो बारबाडोस और त्रिबागो नाइट राइडर के ही बीच में मैच खेला गया था, जो कि 28 अगस्त को मैच खेला गया था। यहां पर टीकेआर की टीम ने जो है ये मैच विन कर लिया था, त्रिबागो नाइट राइडर वोमेन्स की टीम ने ये मैच विन कर लिया था, 4 विकेट से जो है मैच विन किया था। दोनों ही टीम काफी अच्छी है, स्ट्रांग है, और अगर आप देखेंगे तो इनके हेड टू हेड के रिकॉर्ड भी आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। वैसे आप लास्ट 5 मैच जो इस वेन्यू पे खेले गए हैं ना, उसका आप यहाँ पे जो है ब्रीफ स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये जो है बैट सेकंड करने वाली टीम ने जो है 3 बार विन किया है, ये मैच सुपर ओवर में विन किया है, और बाकी ये वाला जो है बैट फर्स्ट करते हुए जो है विन किया गया है। यानी कि जो है बैट सेकंड करना यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, ये इसमें जो है एडवांटेज जाएगा। अब गाइज अगर बात की जाए यहाँ पर हेड टू हेड के रिकॉर्ड की, तो हेड टू हेड के रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो लास्ट के जो 6 मैचेस में 2 बार बारबाडोस रॉयल्स की टीम ने विन किया है और टीकेआर यानी कि त्रिबागो नाइट राइडर की टीम ने जो है 4 बार विन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टीकेआर की टीम जो है थोड़ा सा एडवांटेज इनको जा रहा है, जबकि इस सीजन अगर आप देखोगे 2 मैचेस हुए हैं और दोनों इसी वेन्यू पे मैच हुए हैं, 1 बार बारबाडोस की टीम ने विन किया है और 1 बार त्रिबागो की टीम ने विन किया है, तो यहाँ पर दोनों ही टीम लगभग इक्वल हो जाती है। उसके पहले 2023 में इन दोनों ही टीम के बीच में मैच खेला गया था, जहां पर भी जो है लगभग सेम रहा था, त्रिबागो की टीम ने और बारबाडोस की टीम ने एक एक मैच जो है शेयर किया था। तो लास्ट 5 मैच यहां पर आप इनके देख सकते हैं और 3 मैच तो भाई इसी वेन्यू पर खेले गए हैं वोमेन्स सीपीएल के। अब हम दोनों ही टीम की रिसेंट फॉर्म देखते हैं। बारबाडोस रॉयल्स अपना लास्ट मैच हार के आ रही है, अदरवाइज ये बैक टू बैक जो है ये टीम विन करके आ रही थी, आप देख सकते हैं बैक टू बैक जो है ये 4 मैचेस विन करके आ रही थी। और लास्ट मैच किससे हारी है, त्रिबागो नाइट राइडर से ही ये लास्ट मैच हारी है। त्रिबागो नाइट राइडर की थोड़ी सी हालत पतली हो गई थी बीच में, लेकिन ये जो है टीम ये भी काफी अच्छी है। आप लास्ट 5 मैच त्रिबागो नाइट राइडर और जो है बारबाडोस रॉयल्स दोनों के यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे बारबाडोस रॉयल्स बीआरडब्ल्यू की प्लेइंग 11। हेली मैथ्यूज के साथ में चमारी अट्टा पट्टू आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। 1 डाउन पे क्यू जोसफ है, उसके बाद ए अलेन है, फिर रसाडा विलियम्स है, लॉरा हैरिस है, उसके बाद जो है डी जोसफ है, उसके बाद आमंदा वेलिंगटन है और यहाँ पे त्रिशान होल्डर है, और फिर उसके बाद जो है नानी जानी कुंबर बाच है, तो इनका नाम प्रोनाउंस करने में अगर मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कर देना, बाकी नाम आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो है 11वीं प्लेयर इनकी सी एन फ्रेजर है। तो ये बारबाडोस रॉयल्स की प्लेइंग 11 है, प्लेयर रोल हमने भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं चमारिया टपट्टू और जो है क्यू जोसफ ये लेफ्ट हैंडेड बैट करते हुए नजर आएंगी, बाकी सारी की सारी आपको राइट हैंडेड बैट जो है करते हुए नजर आएंगी इन दो प्लेयर्स को छोड़ के।
ट्रिवागो नाइट राइडर वुमेन्स की अगर हम बात करें, डेरा डॉटिन के साथ में हर्षिता समर विक्रमा आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। वन डाउन पे जो है जर्मिया रोड्रिक्स है, उसके बाद जेस जोनासन है, फिर सी नेसन है, शिखा पांडे है, काइसा नाइट है, कोइसा नाइट है, उसके बाद जो है जायदा जेम्स है, और यहाँ पे समर रामनाथ है, और यहाँ पे समीना कौनल है। तो ये जो है ट्रिवागो नाइट राइडर वुमेन्स की प्लेइंग 11 है। इनकी टीम में अगर आप देखेंगे हर्षिता समर विक्रमा, जेस जोनासन आपको लेफ्ट हैंडेड बैट करते हुए दिखाई देंगी, बाकी सारी जो है राइट हैंडेड बैट करते हुए आपको दिखाई देंगी। तो दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर प्लेयर रोल हमने लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं प्लेयर की परफॉर्मेंस की। हेनली मैथ्यूज रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो जो है बहुत ही अच्छा और ना बहुत बुरा, मतलब एवरेज परफॉर्म कर रही है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट रहती हैं 61 रन प्लस 2 विकेट, 67 रन प्लस 2 विकेट, 2 रन प्लस 4 विकेट, 4 रन प्लस 2 विकेट। तो इन दो मैचेस को छोड़ दिया जाए तो इसमें टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। हेड टू हेड के 6 मैचेस में 193 रन है, 6 मैचेस में अगर आप देखेंगे 9 विकेट भी है, तो काफी जो है जबरदस्त इनका जो है परफॉर्मेंस है हेनली मैथ्यूज का, और मैक्सिमम लोग को जो है सीवीसी करके लेके आने वाले हैं। चमारी अट्टा पट्टू ने लास्ट मैच में दिखाया कि भाई वो किस क्लास की प्लेयर है, 70 रन किया और 2 विकेट लेकर गई। इन दोनों में से कोई एक ही प्लेयर चलेगा, या तो हेनली मैथ्यूज या फिर चमारी अट्टा पट्टू, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। वैसे चमारी अट्टा पट्टू बैट से ज्यादा परफॉर्म करती है और हेनली मैथ्यूज बैट बॉल दोनों से परफॉर्म करती है। इसके अलावा क्यू जोसफ बैट बॉल दोनों करती है, ध्यान रखिएगा। 3 विकेट 2 विकेट लेकर गई है लेकिन लास्ट में फ्लॉप रही, थोड़ी सी अंडर रेटेड रहती है लेकिन यहाँ पर वन डाउन पे आ रही है, इसीलिए जो है इनको लोग पिक करके लेके आएंगे। एएलएन भी बढ़िया ऑप्शन है, किसी किसी मैच में ये भी अच्छा परफॉर्म कर जाती है, लेकिन सामने वाले के बॉलर आप देख के जाना भाई, जेस जोनासन वगैरह रहेगी ना तो इन लोगों को काफी जल्दी जो है पवेलियन भेज सकती है जेस जोनासन। वहीं अगर मैं बात करूं रसाडा विलियम्स, इग्नोर कर सकते हो, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं इग्नोर करके जा सकते हो। लॉरा हैरिस एक ग्रैंडिक की जो है प्लेयर रहेंगी, ग्रैंडिक में काम आ सकती है, बाकी कुछ खास ऑप्शन नहीं है। अमांदा वेलिंगटन को यहां पे जरूर से अपने टीम में रखिएगा, अच्छी बॉलर है और अच्छी बॉल करके देगी, 1 विकेट तो 100% आपको निकाल के देने ही वाली है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनकी टीम में जो है सी एन फ्रेजर मिलती है, जो कि थोड़ी बहुत बैट कर लेती है, रिसेंट फॉर्म में बॉल उतना अच्छा नहीं है क्योंकि एक भी विकेट इनको इस सीरीज नहीं मिला हुआ है। दूसरी तरफ आप इनकी बॉलिंग पूरी देख सकते हो। पावर प्ले में अगर मैं बात करूँ तो ए अलिन के साथ में हेनली मैथ्यूज जो है गेंदबाजी कर रही है और चमारिया टप्पट्टू ने भी गेंदबाजी करी। डेथ में अगर मैं बात करूँ तो क्यू जोसफ, हेनली मैथ्यूज और जो है ए अलिन, इन्होंने जो है डेथ में गेंदबाजी करी है। और यहाँ पर 7वां, 9वां, 13वां, 17वां ओवर जो है अमांदा वेलिंगटन को मिला है। टीकेआर प्लेयर की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, डेरा डॉटिन काफी दिनों बाद जो है दिखाई दी इस सीरीज में खेलते हुए, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद, लेकिन जो है वही अपना फिर से दम दिखाया, बैट से भी दिखाया, बॉल से भी दिखाया, लेकिन बॉलिंग में विकेट नहीं ले पाई। ये चीज ध्यान में रखेगा कि 3 मैचेस में जो है विकेट लेस गई है, लास्ट मैच में इन्होंने जो है बॉलिंग नहीं कराई है। हेड टू हेड के 6 मैचेस में 207 रन है, तो हेनली मैथ्यूज से थोड़ा सा बेस्ट जो है परफॉर्मेंस है बैट सेक्शन में, लेकिन बॉल में जो है उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं समर विक्रमा, जो कि रिसेंट में अच्छे फॉर्म में थी, अभी पाकिस्तान के साथ में खेल रही थी, वहां पर भी अच्छे फॉर्म में थी और एशिया कप में भी अच्छे फॉर्म में थी, यहां पर फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है लास्ट के 4 मैचेस में आप देख सकते हो। जोमिया रोड्रिक्स ने लास्ट मैच में भाई 59 रन किए, अकेली वन में आर्मी बढ़ के खड़ी रही थी, बॉलिंग भी कराई लेकिन जो है विकेट लेस रही, बॉलिंग कराती हुई आपको कम दिख सकती हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। जेस जोनासन बढ़िया ऑप्शन है, अपनी टीम में जरूर से रखिएगा, चाहे आप स्मॉली की टीम क्रिएट करो या जीएल की, अपनी टीम में आप जरूर से रखिएगा, बंदी हमेशा परफॉर्म करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शिखा पांडे एक बेहतरीन आपको ऑप्शन मिलती है, जो कि थोड़ी बहुत बैट भी कर लेती है और बॉलर तो अच्छी ही है। और बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है कुछ खास ऑप्शन नहीं मिलती है। समीना कौनल एक बढ़िया ऑप्शन है, इनको आप अपनी टीम में जो है ट्राई कर सकते हो, फास्ट बॉलर है और डेफिनेटली डेथ में भी आपको गेंदबाजी करती हुई नजर आ सकती हैं। लास्ट मैच में 19वां ओवर जो है इन्होंने डाला था। तो चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप पिक्स की। टॉप पिक्स यानी की प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन सी रहेंगी। बॉलिंग देख लो आप, बॉलिंग अगर आप देखोगे तो ये आपको जो है लास्ट मैच की ट्रिवागो नाइट राइडर की बॉलिंग दिखाई देगी, किसने कौन सा ओवर डाला है, सभी चीजें हमने लिखी हुई है। टॉप पिक्स की अब बात कर लेते हैं, टॉप पिक्स यानी की प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन सी रहेंगी। तो इसमें आपको बता दें हेनली मैथ्यूज, चमारिया टप्पट्टू, डेरा डॉटिन, जेस जोनासन, जोमिया रोड्रिक्स, ए अलिन, अमांदा वेलिंगटन और क्यू जोसफ। ये जो मैंने आपको 8 प्लेयर बताई है ना, अपनी स्मॉल लीग की टीम में जरूर से रखना मेरे भाई, और ग्रैंड लीग की टीम में भी जो है इन प्लेयर्स को आप रख सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मर है पूरे जो है 22 प्लेयर में, आपको ये 8 जो है बढ़िया ऑप्शन मिलती है। ग्रैंड लीग में अगर आप जा रहे हैं हेनली मैथ्यूज, चमारी अट्टा पट्टू, डेरा डॉटिन और जेस जोनासन, ये 4 आपको वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शंस मिलती हैं।
ग्रैंड लीग में जोमिया रोड्रिक्स, ए अलेन, अमंदा वेलिंगटन और क्यू जोसफ, ये जो है ग्रैंड लीग आपको विन करवाने वाली है। ये चार ग्रैंड लीग की टीम में वन बाय वन करके इनको जो है सीबीसी आप कंबाइन कर सकते हो, हेली मैथ्यूज और जो है चमारिया टपट्टू, डेरा डॉटिन, जे जोनासन के साथ में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक आपने जरूर से किया होगा और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिएगा। बारबाडोस रॉयल्स की पूरी फुल स्कोर डिटेल, त्रिबागो नाइट राइडर की पूरी फुल स्कोर डिटेल, दोनों ही टीम की स्कोर डिटेल यहां पर लिखी गई है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की, थ्री मेंबर और फोर मेंबर की टीम की। मैं आपको थ्री मेंबर फोर मेंबर ही जो है रिकमेंड करूंगा। विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरुआत करते हैं, रसाडा विलियम्स और कायसा नाइट, आपको दो ऑप्शन मिलती है इसमें। देखो यार, रसाडा विलियम्स को अपनी टीम में आप रख के जा सकते हो क्योंकि इनके बैट आने के थोड़े से चांसेस हैं और थोड़ी सी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। मैंने जोमिया रोड्रिक्स को लिया है, बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है कुछ खास ऑप्शन नहीं मिलती है। आप यहाँ पे हर्षिता समर विक्रमा को लेके जा सकते हो, काफी सारे लोग लेके आ रहे हैं लेकिन सामने काफी अच्छी अच्छी बॉलर रहेंगी, मैं नहीं ले पाया हूँ। जेस जोनासन को लिया है, हेली मैथ्यूज को लिया है, चमारिया टपट्टू को लिया है, डेरा डॉटिन को लिया है, क्यू जोसफ को अपनी टीम में लिया है। बॉल में अगर मैं बात करूं तो शिखा पांडे, अमांदा वेलिंगटन, ए अलेन हमारी टीम में डायरेक्टली ये प्लेयर आएंगी। इसके अलावा मैंने समीना कॉनल को अपनी टीम में लिया है। अब टीम प्रीव्यू से पहले कैप्टन वाइस कैप्टन, तो हेली मैथ्यूज मेरी कैप्टन रहेंगी और वाइस कैप्टन यहां पर देखो जेस जोनासन आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मिलती है सीबीसी के लिए, क्योंकि दोनों ही एक ही टीम की हो जाएंगी अगर आप जाओगे जो है चमारिया टपट्टू और हेली मैथ्यूज के साथ में। तो इसके अलावा आप यहाँ पे डेरा डॉटिन पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन भैया कि लास्ट मैच में बॉलिंग कराई नहीं, इस मैच में पता नहीं कराएगी या नहीं कराएगी, तो मैं यहाँ पर सेफ ऑप्शन जो है जेस जोनासन के साथ में जा रहा हूँ, जो कि मुझे एक विकेट निकाल के दे देगी और 10 से 12 रन भी अगर कर दिए ना तो मेरा काम लगभग हो जाएगा। और वीडियो में आप देख लो भाई टीम प्रीव्यू, टीम प्रीव्यू में देखोगे बारबाडोस रॉयल्स वोमेंस के मैंने 6 प्लेयर लिए हैं, त्रिबागो नाइट राइडर वोमेंस के मैंने जो है 5 प्लेयर लिए हैं। कौन कौन से प्लेयर है हमारी टीम में, तो हमारी टीम में जो है रसाडा विलियम्स है, जोमिया रोड्रिक्स है, जेस जोनासन है, चमारिया टपट्टू है, हेली मैथ्यूज है, क्यू जोसफ है, डेंड्रा डोटिन है, समीना कॉनल है, शिखा पांडे है, अमांदा वेलिंगटन है और ए अलेन है। तो ये हमारी टीम रहने वाली है और सीवीसी आप अपने हिसाब से भी जा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूं आपको अगले वीडियो।